हेलो गाइस वेलकम टू एन अकाडमी मैं हूं अनिकत अग्रवाल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू तो हम कर रहे हैं हमारा डेली न्यूज एनालिसिस जिसके अंदर हम दो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं तो आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसमें फर्स्ट जो बनता है वो है आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको हम इंस्टॉल करेंगे हिमालयन स्टेट्स के अंदर तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है क्या करेगा ये फ्लड्स रॉक स्लाइड्स और एविलान्च जो आने वाले हैं उसके बारे में हमें प्रायर वार्निंग्स दे देगा जिससे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम अच्छे से कर पाएँ और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जैसे कि डीसी वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेके इवैक्यूएशन वगैरह कर सकें ताकि जो डैमेज है लाइफ और प्रॉपर्टी का उसे हम मिनिमाइज़ कर सकें विद दिस सब्जेक्टिव वी आर इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम इसके बारे में हमें पढ़ना है सी क्या है एन क्या है और क्या इस कुछ इस सिस्टम के जो है इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है Second, उसके बाद आ जाता है केरला हाईकोर्ट ने इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है टू द वाइस चांसलर अगेंस्ट द चांसलर चांसलर कौन होता है चांसलर बेसिकली एक यूनिवर्सिटी का हेड होता है एंड अभी एज पर द प्रोविजंस जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है तो आपके स्टेट के अंदर अगर दस यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ऑल टेन यूनिवर्सिटीज़ विल बी हेडेड बाय गवर्नर दैट वे और डिपार्टमेंटल लेवल पे आप कह रहे हो वाइस चांसलर हेड होता है तो इंपॉर्टेंट जो फाइल्स हैं सिर्फ वही गवर्नर के पास जाती हैं इन द कैपेसिटी ऑफ चांसलर गवर्नर ने जो ऑर्डर्स पास किए थे अगेंस्ट वाइस चांसलर्स उसको स्टे कर दिया है कोर्ट ने इसको हमने पढ़ना है कि क्या यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अवमानना हो रही है क्या गवर्नर के अगेंस्ट हाई कोर्ट कुछ कर सकता है कर सकता है तो क्या लॉ से परमिट करता है या फिर ये एक अल्ट्रा वायरस एक्ट है एक्सीडिंग दूरशन और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर थी गवर्नर के अगेंस्ट एक्ट करने की तो इट्स रिलेट्स टू जी टू एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में इसमें आपको दूंगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉर्स ऑफ द हाई कोर्ट थर्ड आ जाता है उसके बाद हमारा निकोबार प्रोजेक्ट तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर जो निकोबार आइलैंड है वहाँ पे हम फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर रहे हैं अप्रॉक्सिमेटली 130 थर्टी स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट लैंड उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है इसके अंदर हमें देखना है कि पहली बार तो फॉरेस्ट लैंड आप क्लियर कर सकते हो कि नहीं अगर कर सकते हो तो उसके अंदर क्या प्रोविजन तो हमने वो प्रोविजन्स डिस्कस करने हैं एंड सेकेंडली सरकार ऐसा कर क्यों रही है इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे फोर्थ हमारा आ जाता है प्रीवियस ईयर कमीज एम सी क्यू का uh, uh, क्वेश्चन फिर आ जाता है हमारा प्रीवियस ईयर कमीज का क्वेश्चन एंड लास्ट में हम एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे सो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट स्टार्ट विद द वीडियो सबसे पहले एम सी क्यू देख लेते हैं तो इस बार का एम सी क्यू हमारा है दो हज़ार नौ का

Both one and two या नीदर one and two? आप करेक्ट आंसर को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो वीडियो के एंड पर हम डिस्कस करेंगे अब आ जाते हैं हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के ऊपर तो सी एस आई आर बेसिकली क्या है सी एस आई आर मीन्स काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और एन जी आर आई मीन्स नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो इन दोनों ने मिलकर के एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को जो है बनाया है जो कि फ्लज रॉक स्लाइड्स एवेलॉन्चेस रॉक स्लाइड्स अंदर लैंड स्लाइड्स भी आपके आ गई लैंड स्लाइड्स इन सबको प्रिडिक्ट कर सकता है आपको अर्ली वार्निंग दे सकता है कंसर्न डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, विच इज हेडेड बाय द डी एंड उससे आप जो है इमिजिएटली एक्शन ले सकते हो वैक्यूशनस करा सकते हो और जो भी जान और माल का नुकसान है उसे मिनिमाइज कर सकते हो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के ऊपर काम करता है एंड सैटेलाइट डाटा वगैरह को भी हम इसमें स्टडी करते हैं इसके अलावा इसके अंदर हम ट्रैकिंग करते हैं जैसे कि अब सपोज़ करो कि कहीं पे पाँच सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है तो शायद वो हज़ार टस ना हो लेकिन अगर वो पचास हो जाए तो बहुत ज़्यादा हज़ार टस हो जाएगी कहीं पे लेक बर्स्ट हो जाए क्लाउड आउटबर्स्ट हो जाए तो हज़ार डस हो जाएगी कहीं पे छोटी मोटी रॉक गिर जाए क्योंकि पहाड़ है तो नेचुरली स्लोप है तो छोटी मोटी रॉक गिर जाए तो कोई बात नहीं लेकिन अगर बड़ी रॉक गिर जाए जिससे कि कोई रास्ता जाम हो गया या फिर बाकी रॉक्स भी गिरने लग जाए लैंडस्लाइड बड़ी हो जाए तो वहाँ पे नेचुरली दिक्कत बढ़ जाएगी तो इसीलिए इसके अंदर हमने कई सारे सिस्टम जो है वो लगाए हैं एंड हमारा जो मेन बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम रिड्यूस करें इकनॉमिक लॉसेस को नंबर ऑफ इंजरीज को डेथ्स को और uh, जो भी आपका यातायात वगैरह है उसको भी मिनिमम इफेक्ट हो लोगों की जो लाइफ है कम्युनिटी की जो लाइफ है प्रॉपर्टी है वो सेफ रह सके अगर लैंडस्लाइड की बात करते हैं तो लैंडस्लाइड एक वाइडर टर्म है तो उसके अंदर रॉक डब्रीस या अर्थ का कुछ भी नीचे आ जाता है तो उसको आप लैंडस्लाइड बोलते हो <coughs> राइट तो मतलब कि जैसे कि अगर सपोज करो बहुत ज्यादा रेत है कहीं आपने देखे होंगे इंडिया में रेत के पहाड़ भी हैं ऑलमोस्ट रेत ही रेत है तो वो रेत भी अगर घिसक जाती है अपनी जगह से बड़े बड़े सॉलिड पत्थर नहीं है लेकिन रेत है तो दैट इज ऑल्सो अंडर द लैंड राइट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ की तो नेचुरली हिमालयन जो एरियाज़ हैं हिमालयन हिल्स हैं या सब हिमालयन एरियाज़ भी हैं वेस्टर्न घाट्स के कुछ एरियाज हैं तमिलनाडु के भी कुछ एरिया है एरियाज़ हैं नीलगिरी हिल्स वगैरह वो सारे के सारे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में आते हैं लेकिन हिमालया तो डेफिनेटली उसके अंदर आप कह सकते हो रैंक वन पे आते हैं जहाँ पे लैंड स्लाइड जो है वो अक्सर हो सकती हैं सिमिलरली अगर फ्लड की बात करते हैं फ्लड आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पानी अगर आ जाता है कहीं पे और एरिया को जो है बहा ले जाता है जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो तो इस तरह के सिचुएशन को हम फ्लड कहते हैं एंड अगेन क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं ग्लेशियर्स हैं हिमालयाज के अंदर तो आपका जो फ्लडिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो सकती है और हमने कितनी बार देखा भी है कि एक्सेसिव फ्लडिंग के बहुत ज़्यादा जानवर माल का नुकसान जो है वहाँ पे हो जाता है रिवर्स जो है अपने बैंक्स तोड़ देते हैं और आसपास के सेटलमेंट्स को जो है खत्म कर देती हैं इसके अलावा कोस्टल एरियाज भी डेफिनेटली वेलरेबल होते हैं तो अगर हमारे हिमालयन एरियाज के अंदर एक्सपेरिमेंट्स काम आते हैं तो वी कैन मूव इट टू तो द कोस्टल एरियाज एज वेल सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू केरला तो अगर हम बात करते हैं पहले तो हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं दो सौ से लेके 231 तक पार्ट फोर के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक तो आपके पास एक स्पेसिफिक प्रोविजन आ गए लक्ष्मीकांत वाले ठीक है उसको तो हमने रिट्रेट नहीं करना है यहाँ पे कि भाई एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हाईकोर्ट हो सकती है सो एंड सो सो एंड सो हम आते हैं ओर्स पे अगर हम ओथ की बात करते हैं तो ओथ्थ के बारे में क्या लिखा हुआ है अ पर्सन court अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट make एंटरिंग subscribe हिज an एन ओथ affirmation बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एनी पर्सन अपॉइंटेड by हिम फॉर that purpose. तो जब केरला हाई कोर्ट चांसलर के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास कर रही है तो चांसलर कौन है गवर्नर है तो इजेंट इट कि आप अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन इस आर्टिकल के अंदर जिसको हमने समझने की कोशिश करना है आप आ जाते हैं बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड की बात करें तो 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी वी की यानी कि वाइस चांसलर्स की अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में वो गलत हैं इसलिए हम उसे सेक्टिसाइड करते हैं तेईस अक्टूबर को गवर्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा फैसला दिया है दैट इज़ यू आर ऑल क्या कहते हैं साइटेड टू रिज़ाइन रिज़ाइन एंड क्विकली जो अपना भेजो अक्टूबर चौबीस को लोगों ने नहीं रिजाइन किया तो गवर्नर ने इशू कर दिया नोटिस अगेन ये सब गवर्नर किस कैपेसिटी में कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ चांसलर कैपेसिटी ऑफ चांसलर कि भाई तुम लोगों ने नहीं किया तो शो कॉज नोटिस इशू होता है सरकार के अंदर कि आप अपना कारण बताओ कि आपने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया तो कारण बताओ नोटिस भी इशू हो गया 25 तारीख को जो है वो लोग बेसिकली हाईकोर्ट चले गए कि नहीं जी हमारा तो ये अप्लीकेबल नहीं है ये है वो है करके तो अगेन गवर्नर ने कहा कि ठीक है हाईकोर्ट की बात मानते हैं हम और जब तक हाईकोर्ट डिसाइड कर रही है मैटर को तो हम इसके ऊपर अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं उसके बाद जो शोकॉज नोटिस था उसको हाईकोर्ट के अंदर फिर से चैलेंज किया गया एज इन द रिट जोरिस्टिक्शन रिट जो जोरिस्डिक्शनोर्ट की है जो आर्टिकल 226 के अंदर आती है सुप्रीम कोर्ट की 32 के अंदर आती है उसके अंदर चैलेंज किया गया और केरला हाईकोर्ट ने नवंबर 8 को जो है रिस्ट्रेन कर दिया गवर्नर को कि आप किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर पास नहीं करोगे तो बेसिकली स्टे कर दिया गवर्नर का शोकॉज नोटिस ठीक है तो अब गवर्नर का गवर्नर का हम बार बार बोल रहे हैं बट वो गवर्नर इन द कैपेसिटी ऑफ चांसलर है और यही पूरे इस केस के अंदर जो मेन पॉइंट है वो है तो क्योंकि हमने देखा कि यार ओथ ही गवर्नर दिलाता है तो आप अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के खिलाफ कोई काम कैसे कर सकते हो राइट तो यहाँ पर और वैसे भी अगर आप एटीट्यूड देखते हो तो हमेशा सी का या गवर्नर का नाम जो है वो ज़्यादातर कोर्ट निकलवा देती हैं ठीक है कि इनको इम्प्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी या इनकी इम्प्लीट करने की कोई सेंस नहीं बनती है Although, यहाँ पर बार बार ये कहा गया पिटिशनर्स के द्वारा कि हम तो चांसलर को कर रहे हैं अब चांसलर जो है वो एक सेपरेट चीज है गवर्नर सेपरेट चीज है तो वे चांसलर ने उत्थ नहीं दिलाई तुम्हें तो गवर्नर ने उथ दिलाई है तो गवर्नर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि गवर्नर का एक्शन है उसको हमने से कराना है हम ऐसा तो कह ही नहीं रहे हमें तो जो चांसलर का एक्शन है उसका हमने जुडिशियल रिव्यू कराना है जुडिशियल रिव्यू की पावर्स आपके पास है ही है आर्टिकल तेरह बत्तीस ठीक है आ, उसके बाद 226 ये हो गया फॉर द हाई कोर्ट राइट और ये हम कब कब कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रेंस हो या फिर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो इन द हाई कोर्ट तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका लीगल राइट right जो है वो हमारा इन्फ्रिंज हुआ था दैट इज वाई वी वॉन्ट अ रिट अब रिट क्या है रिट बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो आप कोर्ट से ले सकते हो और वो पांच तरह का होता है हेबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर या कुओ वारंटो ये पांच तरह के रिट्स होते हैं हेबियस कॉर्पस के अंदर आप बोलते कि हो कि किट किड नैप वगैरह हो जाए तो आप उसको प्रोड्यूस करो मैंडेमस के अंदर आप बोलते हो कि सरकार ये नहीं कर रही है आप मेरा ये काम करवाओ प्रोहिबिशन के अंदर आप बोलते हो कि लोअर कोर्ट अपनी जो को एक्सीड ex कर रही है इसलिए लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करो सरशोराय के अंदर आप कहते हैं सरकार ने कोई गलत ऑर्डर निकाला है इस इम्प्यूट ऑर्डर को सेक्टासाइड करो ये सरसोराय यहाँ पर मांगी गई है कि जो काउंसलर का ऑर्डर है उसको स्टे करा जाए और सरशोराय उसको क्वाश किया जाए तो क्वॉशिंग यहाँ पर हमने मांगी है कोवर अंटो होता है लास्ट में जिसके अंदर कोई अनऑथोराइज पर्सन सीट पर बैठा हो तो कोवरटो की रिट एक बार मैंने भी डाली हुई है तो दैट इज स्टिल पेंडिंग तो उसके अंदर हमने क्या मांगा है कि भाई ये बंदा जो है ये क्वालिफाइड ही नहीं है इस पोस्ट के लिए तो आपने इसे बिठा कैसे रखा है सो दैट इज़ वाई ऑल फाइव रिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली अगर आप देखो कोर्ट्स के अंदर मैंडमस और सोशरा यूज़ होती है प्रोहिबिशन तो ना के बराबर यूज़ होती है एक इसके स्पेसिफिक केसेज में यूज़ होती है कोवरंटो भी बहुत कम यूज़ होती है तो यहाँ पे जो है सर श्राई का डिमांड जो है वो किया गया है साथ में मैंडमस भी मांगा मांगाऊंगा यू कैन आस्क फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस तो मेन चीज ये है कि गवर्नर के अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है येस अगर वो जुडिशल रिव्यू के पर्पज में हो और गवर्नर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नर नहीं है यहाँ पे इन द कैपेसिटी ऑफ वाइस चांस इन द कैपेसिटी ऑफ चांसलर है

कट करने की बात की है क्योंकि हमें वहां पर क्या बनाना है वहां पे हमें करनी है डेवलपमेंट तो हमारी सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट यहाँ पे वापस आ गई है यहाँ पे हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे एयरपोर्ट बनाएंगे पावर प्लांट बनाएंगे ग्रीन फील्ड टाउनशिप क्रिएट करेंगे और जो अंडमान निकोबार आईलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो इसके अंदर हमारा साथ जो है वो देगी तो इस पूरे सीन के अंदर क्या इशू आता है कि अगर आप इतना सारा एरिया ऑफ फॉरेस्ट जो है उसे खत्म कर दोगे उसे डीफ़ॉरेस्ट कर दोगे तो आपको एफॉरेस्ट्रेशन का जो आप कहते हो कि हम तो पेड़ लगा रहे हैं पेड़ लगा रहे हैं फिर उसका क्या तो इसी के लिए हमारा बना हुआ है सी ए एफ एक्ट ये है कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड तो सी एफ़ एक्ट जो है 2016 के अंदर पास हुआ था और इसके रूल्स 2018 के अंदर बने थे जो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे दिस इज द मेन थिंग अबाउट दिस टॉपिक राइट तो इसको इसीलिए चूज़ किया है मैंने तो सी ए एफ एक्ट जो है वो मैनेज करता है उन फंड्स को जो आपने कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन में लगाने हैं राइट right? और वो जो है मैनेज करेगी कैंपा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी सी एम पी ए तो बेसिकली कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है कि जब भी आपने किसी भी फॉरेस्ट की लैंड को किसी भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए डाइवर्ट करना है मतलब कि एक फॉरेस्ट था जिसको आप नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करो ड्यू टू एनी रीजन जैसे आप यहाँ पे आपने एयरपोर्ट बनानी है आप कह रहे हो डेवलपमेंट करना है आप कह रहे हो ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनानी है एंड सो ऑन तो अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो जो भी एजेंसी है जो कि ये काम कर रही है उसको उतना ही फॉरेस्ट जो है आ, लगाना पड़ेगा एक नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर और अगर वो लैंड जो है अवेलेबल uh, नहीं है तो टू टॉइस द एरिया ऑफ द डिग्रेडेड लैंड मैं सपोज करो आप कहते हो कि जी हमारे पास तो कोई नॉन फॉरेस्ट लैंड ही नहीं है जिसको हम ए e फॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर सकें तो आपको फिर uh, कोई और जैसे बंजर जमीन वगैरह होती है जो वेस्ट वेस्ट लैंड होती है वहाँ पे आपको ट्वाइस द एरिया का फॉरेस्ट जो है वो लगाना पड़ेगा दिस इज द मेन क्लॉज तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम अंडमान निकोबार के अंदर अगर एरिया वेस्ट करेंगे तो हम हरियाणा के अंदर कंपलसरी एफॉरेस्ट्रेशन करेंगे और वहाँ पे हम ये जो सिमिलर अमाउंट ऑफ एरिया जो है उसको वहाँ पर हम इफॉरेस्ट्रेशन करेंगे सो so दैट जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो बराबर रहेगा ऑफ़ कोर्स इतना घना तो नहीं हो जाएगा वो आप इनिशियली स्टार्ट करोगे तो भी पर वो हो जाएगा सो दिस वॉज द होल करेक्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड अब एज पर रूल्स नाइनटी परसेंट जो सी एफ मनी है वो स्टेट्स को देनी होती है और टेन परसेंट जो है वो रिटेन होती है सेंटर के पास तो ये है हमारा पूरा का पूरा कैंपा सी एफ एक्ट और डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड टॉपिक अब आ जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हमारा विद रिस्पेक्ट टू सेंसेस तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है क्योंकि हमारी डेंसिटी टू टाइम्स तो बढ़ी थी लेकिन थ्री टाइम्स वो नहीं बढ़ी थी एंड इसी तरीके से हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी थी बट वो टू एक्स नहीं हुई थी सो इट वॉज नॉट टू एक्स यहाँ पे टू एक्स था थ्री एक्स नहीं था यहाँ पे टू एक्स नहीं था इट वॉज अराउंड वन पॉइंट टू फाइव एक्स राइट तो बोथ ऑप्शन आर इन करेक्ट सो डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर अब आ जाते हैं हम मेन्स के क्वेश्चन पे तो मेन्स का क्वेश्चन है इस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जाम्पल्स दो हजार उन्नीस में पूछा गया था एनवायरमेंट का क्वेश्चन है आपको कोरल लाइफ के ऊपर इसमें बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अब इसके अंदर आप जो चीजें लिख सकते हो वो है कोरल ब्लीचिंग जो हमने ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले एरिया में पढ़ी थी वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ये बहुत ही अच्छा आपका आंसर जो है वो बन सकता है अगेन इन शंकर आइए का मैंने फ्री कोर्स भी कराया हुआ है आप उसको रेफर कर सकते हो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से मिल जाएंगी राइट पूरी बुक हमने करवा रखी है आ, या शॉर्ट में तो आप उसको कर सकते हो वहां से भी आपको ये सारे पॉइंट उठा सकते हो खुद से आंसर बना सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाके वहां पर भी आप इसका आंसर जो है पोस्ट कर सकते हो आई विल रिव्यू योर आंसर तो नेक्स्ट आ जाता है इथीरियम तो इथीरियम की बात करें तो वर्ल्ड की ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्लॉक चेन नेटवर्क है आफ्टर बिटकॉइन और जैसे बिटकॉइन को क्रिप्टो का गोल्ड बोला जाता है इथीरियम को ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल से कंपेयर किया जाता है यानी कि ब्लैक गोल्ड से आप कह सकते हो कंपेयर किया जाता है तो ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं दो मॉडल्स चलते होते हैं पी प्रूफ ऑफ स्टेक एंड पी प्रूफ ऑफ वर्क तो अब प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट होकर प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथीरियम जो है शिफ्ट कर रहा है इसको हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको वैसे बता देता हूँ प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था कि एक कॉम्पिटिटिव वैलिडेशन होता था एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम होता था जिसको मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं वो पावर यूज़ करके जो है सॉल्व करते थे और न्यू ब्लॉक चेन ऐड होता था लेकिन प्रूफ ऑफ़ स्टेक के अंदर रैंडम जो वैलिडेटर्स हैं वो किसी ट्रांजेक्शन को कन्फर्म करते हैं और उसके बाद एक ब्लॉक ऐड होता है तो वर्किंग के ऊपर ना जाके हम अगर बात करें इसके बेनिफिट की तो ये एक बेटर वे माना जाता है क्रिप्टो की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए और इसके अंदर मोर सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है और मोर स्पीड भी देखने को मिलती है तो इससे आप कह सकते हैं शायद इथियरियम के प्राइसिस में हमें एक जंप जो है वो देखने को मिले अगर बात करें इथीरियम की तो इथीरियम भी एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉक है और ये एक नेटिव ईथर जो है इसका नेटिव जो है क्रिप्टो करेंसी है और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर है आफ्टर बिटकॉइन मैंने आपको बताया भी था और इसीलिए इसको ऑयल के साथ कंपेयर किया जाता है और जो भी एन बनते हैं नॉन फनजेबल टोकन्स वो सारे भी इथियरियम के ऊपर ही रन होते हैं तो इथीरियम एक किस्म से जैसे आप कार चलाते हो तो ऑयल बर्न uh, होता है इसी तरीके से अगर आप कोई एन एफ परचेज कर रहे हो सेल कर रहे हो कुछ और ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें जो बर्निंग होती है वो इथीरियम की होती है तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर क्रिप्टो करेंसी चलेगा तो इथियरियम का प्राइस डेफिनेटली से बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं आपके पास एक बहुत हाई एंड पी अगर है तो आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग खुद से कर सकते हो उसके अंदर आपके कंप्यूटर के रिसोर्स को यूज़ किया जाएगा ओवर द नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू और कई सारे कंप्यूटर्स की एनर्जी और जो हार्डवेयर है उसको यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और उसके रिवॉर्ड में आपको क्रिप्टो करेंसी जो है वो दी जाएगी तो वो एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई होती है और कहीं कहीं जगह पे तो Uh, कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं जितना कि एक छोटा देश जो है वो कंज्यूम कर लेता होगा तो ये पूरा का पूरा है हमारा वर्क ऑफ प्रूफ एंड वर्क ऑफ स्टेक और इथियम कैसे काम जो है वो करता है सो विद दिस वी हैव विद्लीटेड द टॉपिक आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे अगर आप यू पी एस की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यू पी एस का अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए जिसके अंदर आपको प्लस आइकॉनिक और लाइट तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है आइकॉनिक के अंदर आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिल जाती है जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए मोटिवेशन है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अन का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा हेल्प करता रहेगा और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियाँ जो है वो रह गई हैं जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिविजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ई एम ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो है वो भी मिल जाएंगे जो भी कोर्स आप चूज करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है आप यूज करिए मेरा कोड ए एन आई सेवन ये मेरा रेफरल कोड है इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है टेन परसेंट से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में चाहे आप एक साल का लें दो साल का लें एक छः महीने का लें या फिर आप प्लस लें एक लाइट लें सभी में आपके बेनिफिट जो है वो मिलेगा और उसके बाद आपको करना क्या है इसका स्क्रीन मुझे टेलीग्राम पर भेजना है वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल एड यू टू माई ग्रुप एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू एन अकेडमी या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या एन अकेडमी से रिलेटेड या कोई आपको नोट्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा सो दिस वॉज इट फॉर टुडे वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे